अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शायद दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी GM के बारे में, K1 के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू जिसका फ्यूज़ रहेगा आपका 24 नंबर का, जो कि 15 एम्पीयर का रहता है। उसके कनेक्शन के बारे में, उसके कनेक्शन कहाँ पे हैं और उसका आउटपुट किधर है, कहाँ पे रहता है हमारा और उसका क्या यूज़ है, वो रिले किस लिए यूज़ होते हैं, इन सारी बातों पे जो है बात होगी हमारे इस वीडियो में। जिन भाइयों ने रिले K1 का वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक करके उस वीडियो को देखें। जैसा कि हमने बताया कि आज हम बात करेंगे रिले K2। K2 ये क्या है, क्या यूज़ होता है? जैसे कि एक्टर्स में आपके टोटल 5 रिले हैं, जिसमें से एक रिले जो है K2 है। और लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया वो K1 के ऊपर बनाया हुआ था आपका वीडियो। आपको बता दें ये मर्सिडीज़ MP2 और MP3 में हमारा जो GM यूज होता है, जो GM आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह का जो GM फ्यूज बॉक्स रहता है ना, उसी में ये हमारे जो रिले फ्यूज़ और पिन नंबर कितना है, तार, ये सब उसी में काम करेगी। अगर हम हमारे वीडियो को देख के MP1 में देखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि MP1 का जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है वो अलग है, MP4 का अलग है। हाँ, जो हमारा MP3 और MP2 गाड़ी रहेगी उसके अंदर इस तरह का अगर GM है तो हमारे कनेक्शन यही रहेंगे। लोकेशन रिले की वही रहेगी, एक्सपिन के रिले की लोकेशन वही रहेगी। और इसके अंदर जो टोटल फ्यूज होते हैं वो 32 फ्यूज होते हैं, और कई गाड़ियों में किसी में 5 भी होती हैं रिले, ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी में 4 रिले हैं, किसी में 6 रिले हैं, ऐसे भी होता है। तो हम जैसे कि हमने बताया कि आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो K2 के बारे में बात करेंगे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो भी हमारे दोस्त सऊदी अरब में हैं, नए आए हुए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। किस टाइम में यूज़फुल हो सकती है? यूज़फुल जब होती है जैसे कि आपने स्विच ऑन किया और आपका कोई भी फ्यूज उड़ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये फ्यूज किस काम के लिए है, क्या यूज है उसका, उसका आउटपुट कहाँ पे है। अगर ये सब चीज़ें हमें पहले से पता हो कि हमारा जो फ्यूज़ है 24 नंबर फ्यूज़ है वो क्यों उड़ रहा है, क्यों ख़राब हो रहा है, अगर हमें उसके बारे में पता है तो हम उसके तारों को चेक कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से उड़ रहा है, कहाँ पर शॉर्ट है, शॉर्ट सर्किट है या उसका कंपोनेंट ख़राब है, क्या दिक्कत है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है उसका यूज़ क्या ये पता होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने बताया हम K2 के बारे में बात करने वाले हैं, तो K2 जो हमारे रिले है उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो X9 पे रहता है। और X9 जो है, मैं आपको वीडियो में उसका एक फ़ोटो दूंगा, आपको फ़ोटो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और बहुत से मॉडल में इसका यूज़ नहीं है, और बहुत से मॉडल में यूज़ है। जिस मॉडल में यूज़ नहीं है आप उसको जो है फॉरगेट करें, उसका कोई भी काम नहीं है, और जिसमें यूज़ है उसको आप चेक करें क्या होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि GM के अंदर जो फीसें लगी होती हैं बहुत सी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सी गाड़ियों में कम होती हैं। इसके अंदर टोटल कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं, जो हमारे X9 फीस नंबर है जो कि अंदर साइड में रहती है, उसके टोटल जो तार रहते हैं वो हमारे 9 तार रहते हैं। लेकिन हमारे जो हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक सिर्फ इनमें अभी हमारे पास जो हमारा डेनुआ रहता है उसका प्लस टी का जो करंट होता है, टर्मिनल टी जिसको हम बोलते हैं, उसका जाता है। हम उसके 3 यूज हमारे पे जो जानकारी है, जो हमारे पे गाड़ी है, मॉडल नंबर है, उसके हिसाब से सिर्फ हमारे 3 पिनों का ही यूज दिया, आउटपुट जाता है हमारे 3 पे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो मैंने आप इस बातों को जहन में रखिएगा, इसको आपको याद करके रखना है, जहन में रखना है, क्योंकि इसका कब ज़रूरत पड़ेगा आपको नहीं पता। इसको जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपका 24 नंबर का फ्यूज़ काम नहीं कर रहा है, आपको दिक्कत है, तो आप चेक करें कि आपके वहाँ पर जो फिश है
है X9 नंबर में क्या आपके कोई तार आउटपुट है कि नहीं लगी हुई है, जो कि टर्मिनल डी बैटरी का जो मतलब करंट जो डी रहेगा, टर्मिनल डी वो डी बोलने प्लस, जो करंट प्लस का करंट हमारा रहता है पॉजिटिव, इसको गर्म भी बोलते हैं हम लोग, उसमें आएगा जिसको जमा भी बोलते हैं। तो X9 के एक नंबर जो पिन है उसके ऊपर जो हमारा करंट आउटपुट जाता है वो फोर्स फिल्टर हीटर में जाता है। हीटर आपको पता होगा जो गाड़ी स्टार्टिंग होने पे जहाँ पे बर्फबारी पड़ती है वहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद हम दो X9 के दो नंबर की बात करेंगे, टर्मिनल टू नंबर के पिन पे, तो उस पर बैटरी हीट्स का जो बैटरी का सिग्नल होता है वो जाता है, बैटरी पे जाता है नहीं। और जो तीसरा आपका यूज़ होगा X9 का तीन नंबर टर्मिनल, जो सोलेनाइड बल्ब एयर ड्राइवर होता है, जो एयर ड्राइवर आपको किस तरह से एयर ड्राइवर आपने देखा चेचिस के ऊपर एक फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर लगा होता है बड़ा सा जो कि हवा का फ़िल्टर होता है, उसको एयर ड्राइवर फ़िल्टर बोलते हैं। उसके ऊपर एक तार इसका साथ आया है कि हवा हमारी क्लीन हो रही है या नहीं, उस तरह से सोलेनाइड बल्ब होता है उसके ऊपर एक, उसको जो है ये कंट्रोल करता है, यानी आउटपुट यहाँ से जाता है और उसको ओपन करता है। तो ये जानकारी जो हमारी थी K2 रिले के बारे में थी, फ्यूचर नंबर 24 के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो हमारी K2 रिले होती है वो किस लिए यूज़ होती है ये वीडियो में मैं बताना भूल गया है, फॉरगेट हो गया। ये हमारा चार्जिंग सिस्टम के लिए भी रिले होती है, अगर ये रिले हमारी नहीं होगी तो चार्जिंग सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। प्लस जो हमारा प्लस डी करंट रहता है ना वो हमारे K2 रिले से ही कनेक्ट रहता है, क्योंकि उसे भी रिले 3 रिले 4 रिले 5 उसमें भी प्लस डी टर्मिनल नंबर 15 रहता है, वो प्लस डी से ही रहता है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम मजीद वीडियो बनाएंगे। ये जानकारी जो हमारी थी वो K2 के रिले K2 के बारे में थी, और आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।